नमस्कार साथियों साथियों मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ, आगरा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। साथियों आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। ये घटना हाथरस जनपद के रतिभानपुर क्षेत्र के फूलराई गांव में हुई है। फुलराई गांव में भोले बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। भोले बाबा जी पूरे विश्व के जाने माने संत हैं, उन्हें सुनने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। साथियों जब मैं छोटा सा था बचपन में, मैंने भोले बाबा की भीड़ जनपद मैनपुरी के चंद्रशेखर स्कूल के ग्राउंड में देखी थी। साथियों मैंने देखा था कि किस तरह से भोले बाबा को चाहने वाले लोग हैं, उन्हें उनकी भक्ति को समझने वाले लोग हैं। साथियों जैसे ही ये घटना हुई, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो है घटना को संज्ञान में लिया और कहीं ना कहीं एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का दायित्व निभाया। साथियों मैं अक्सर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता हूँ। मेरी एक अलग राजनीतिक पार्टी की विचारधारा है। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ मामलों में मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करता हूँ। साथियों अगर बात हो एक अच्छी गवर्नेंस की, एक गुड गवर्नेंस की, तो यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। योगी जी की सरकार के लिए उन्होंने जो 2014 के बाद से देश के किसानों को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं, देश के किसानों को तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से जो लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, मैंने एक वीडियो में उनकी पूरी जानकारी आपको शेयर की। साथियों भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर एक्शन लिया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। देश के मुख्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत आनन फानन में कहीं ना कहीं जो है मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया कि आप घटना स्थल पर पहुँचें। साथियों इस घटना के लिए पूरा विश्व कहीं ना कहीं आज परेशान है, आज दुखी है। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे शहर के पास वाले शहर में कम से कम 107 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। साथियों मैं मैनपुरी से हूँ और आगरा मंडल में ही हाथरस आता है। भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा विश्वास है मेरा। मैं कट्टर जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत हूँ। हिंदू हूँ तो हिंदू की मान्यताओं पर भी विश्वास करता हूँ। लेकिन साथियों जैसे ही पता चला कि वहाँ पर गर्मी की वजह से कुछ हमारी माताएं बहनें व्याकुल हो गईं, बेहोश हो गई, हो सकता है कोई समस्याएं रही हों। हालांकि डीएम साहब ने पहले से सारी व्यवस्थाएं वहां पे कराई हुई थी। जिलाधिकारी महोदय हाथरस ने बहुत अच्छा वहां काम किया हुआ था। पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पे था और कहीं ना कहीं जो एलआईयू है
एक मैसेज इन्होंने देने का काम किया था कि ऐसी घटना हो सकती है। इस घटना को लेकर के LIU ने पहले ही मैसेज दिया था, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होते हुए भी ये बहुत बड़ी त्रासदी देखने को मिली है। साथियों, मैं सभी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शांति दें, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं संभल प्रदान करें। और मैं देश के लोगों से अपील करूँगा कि कृपया करके इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं हैंडल कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की भी नज़र यहाँ है। जब बहुत अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विपक्ष के लोग एक साथ संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। साथियों, हर एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया और उनके नेताओं ने कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करी है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 2-2 लाख रुपए देने की वादा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि हो सके तो ये धनराशि थोड़ी बढ़ाई जाए। हालांकि पैसों से किसी को हेल्प नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके दुख को थोड़ा सा, दर्द को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। साथियों, मरने वालों में सबसे ज़्यादा माताएं बहनें हैं। हमारी माताएं बहनें परेशान हुई होंगी और किसी वजह से जब भीड़ बेकाबू हो गई होगी तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के ऊपर से गुजरना शुरू कर दिया होगा। एक बहुत बड़ी संख्या है और इस संख्या और स्पेशली हमारे जनपद के पास की घटना है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अगर समय हो तो जिन लोगों के परिवार से मौतें हुई हैं, आप कहीं ना कहीं अलीगढ़ जाएं। आपके अलीगढ़ जाने से लोगों को मजबूती मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि कहीं ना कहीं अगर समय हो तो वो अलीगढ़ आएं और सपोर्ट करें। साथियों, भोले बाबा से भी मेरा अनुरोध है, आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं और ऐसे में अगर पहले से प्रशासनिक कार्रवाइयां पुख्ता की जाएं, एक निश्चित संख्या में अगर लोगों को आने का आदेश दिया जाए पास के द्वारा या किसी और माध्यम से लोगों की एंट्री कराई जाए, तो ऐसा ना हो। साथियों, अनुमान है 1.25 लाख लोग पहुंचे थे, ज़्यादातर महिलाएं बेहोश होकर गिरने लगीं और उनके साथ बच्चे भी थे। बच्चों ने अपनी माँ की स्थिति को देखा, बच्चे परेशान होने लगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी
पार्टी ने जो एक्शन लिया है वो बहुत तारीफ लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दमदारी से आज लोगों की मदद करी है, कहीं ना कहीं जो ये आदेश दिया गया है कि अगर अलीगढ़ में अस्पताल कम पड़ जाएं तो एटा में भी ट्रांसफ़र किए जाएं, यानी कि हाथरस, अलीगढ़ और एटा तीनों जनपद के अस्पतालों को अलर्ट मोड पे डाला गया है, क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं सरकार से अनुग्रह करूंगा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर जो ये जांच चला रहे हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं, सत्यन जैन जी निर्दोष हैं, मनीष सिसोदिया जी निर्दोष हैं। कृपया करके बदले की भावना से राजनीति ना करें। जब हम अपने नेताओं के बारे में, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा के लिए काम किया, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए काम किया, जब हमें पता चलता है कि हमारे नेता आज कष्ट में हैं, आज दुखी हैं, तो बहुत मन व्याकुल होता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके आम आदमी पार्टी के साथ बदले की भावना के साथ काम करना बंद कर दें और हमारे माननीय नेता को कृपया करके छोड़ दें। साथियों, कहीं ना कहीं एडीजी आगरा जॉन और कमिश्नर के साथ साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को भेजा है, मंत्री संदीप सिंह जी को भेजा है और उनके साथ साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को भी पहुंचने का आदेश दिया है। स्ट्रेचर कम पड़ गए हैं तो मैं माननीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि पास में ही दूसरे जनपद हैं और नहीं तो हमारी दिल्ली है, अगर समस्याएं आ रही हैं, उन्हें इलाज सही से नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में आप जो है मन भाव, मन मुटाव को छोड़ करके हमारे इन साथियों को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दें। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर ऑल इंडिया हॉस्पिटल भी है और सफदरगंज हॉस्पिटल भी है, LNJP हॉस्पिटल भी है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का एक डिसीजन जो कि प्राइवेट अस्पताल के लिए है, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट मोड पे रखा गया है, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे राजनीतिक मुख्यमंत्री हैं और सिचुएशन को संभालना जानते हैं। और साथियों, उनके द्वारा बेड रिजर्व को कहीं ना कहीं बोला जाना कि बेड रिजर्व करके रखो, ये बहुत अच्छा है। साथियों, जो भी लोग भक्ति भाव में कट्टरता से रहते हैं, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि कट्टरता किसी की अच्छी नहीं होती। मैं लगातार देख रहा हूँ, ये हमारा देश, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई के नारे से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सभी से आग्रह करेंगे
कि कृपया करके कट्टरता छोड़ दें। ना ही हिंदू कट्टर बने, ना ही मुस्लिम कट्टर बने, ना ही ईसाई और दूसरी कौमें कट्टर बने। कट्टरता से कभी किसी का विकास नहीं हो सकता, कट्टरता से हमेशा नाश होता है। और मैं कहीं ना कहीं देश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जैसे भी हो कृपया करके हाथरस पहुँचें, और जिन लोगों को अभी इलाज की ज़रूरत है सरकारी खर्चे पर उन्हें फ्री में इलाज करवाएं। ये देश में, ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज उत्तर प्रदेश में अचानक से 100 से अधिक लोगों का इस तरह से हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ उन सभी साथियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि इनके आत्मा को शांति दो, कष्ट सहने का संबल दो, उनके परिवार को मजबूती दो। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने कहीं ना कहीं माफियाओं को ख़त्म करने का काम किया है, मेरा आपसे एक अनुरोध है, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएं। आपने गरीबों को राशन देने का काम किया है, ये बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी में रह कर के मैं खूब प्रशंसा करता था हमारे मोदी जी की और योगी जी की, लेकिन जब से मैंने भ्रष्टाचार को देखा तब से मैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ गया। और कहीं ना कहीं मैं लगातार देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं लगा रही है। मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि इस हाथरस की घटना का भी CBI जांच हो। जो लोग अगर कहीं पर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई हो तो उन्हें दंडनीय अपराध, दंडनीय जो सज़ा है वो देनी चाहिए। और मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आज की घड़ी जो है ये दुख की घड़ी है।